अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम जद्दा में और हम एक शो में जा रहे हैं, तो हमारे साथ जो पुराने साथी हैं इसमें अब्बास हैं। तकरीबन हम लोग 17-18 साल से हम मिलते जुलते हैं यहाँ पे। हमारे साथ मून उस्मान मून हैं, प्यार से बोलते हैं, और हमारे पास ये चाइना का रेहान और ये बात सुना आपने। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग भाई हम लोग बहुत 20 साल से हम लोग की माशाल्लाह दोस्ती, 18-20 साल से दोस्ती है, और हम लोग एक ज़माने बाद आज हम लोग मिल रहे हैं। ये से बोले मून शहरियार अब्बास, अच्छा ये भी शहरी भी ब्लॉगिंग करता है, तो हम लोग एक गेट टुगेदर के लिए आ रहे हैं जो कि अब्बास की वजह से ऑर्गेनाइज हुआ है बेसिकली। ये भाई हमारे साथ पहले डेली होते थे लेकिन अब एक बहुत हमारे बाद मुलाकात हो रही है, शादी के बाद खराब हो गया, शादी के बाद ये दो तो खराब हो गया। तो आज हम लोग जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जद्दा में, एक इवेंट हो रहा है, क्या नाम है अब्बास उसका, पाकिस्तानी नाइट हो रही है, जहाँ से पाकिस्तान का एक मारूफ सिंगर बोलेंगे हम, जद्दा के लिए मारूफ सिंगर बोलेंगे उसको, बिलाल सईद और आयमा बेग आ रहे हैं। अच्छा मैं कुछ ऐड करूँ कि हमारे कुछ दोस्त हैं जिसमें अब्दुल लतीफ़ हो गया, जकरिया भाई हो गया, अफान भाई, जो अभी अब्दुल्ला भाई हो गया, कोई नाम मिस तो नहीं कर रहे ना, जितने भी हमारे टीम है इसमें बाकी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हम उधर मिलेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ से हम लोग भाई को वेट कर रहे हैं जो हमेशा ही देर करता है, उसका नाम अब्दुल्ला है ना, अब्दुल्ला नाम है, जो अभी से नहीं शुरू से 18-20 साल से जो 2 मिनट का बोल के 2 घंटे हो जाते हैं, और हम लोग ख्वार हो रहे हैं, कभी बाहर निकल रहे हैं, कभी अंदर निकल रहे हैं, बहरहाल हमारा टाइम गुजर रहा है। तो हमारे भाई के फेज, भाई रेहान भाई आपके फेज का नाम क्या है बेसिकली, एग्जैक्टली जो रेहान मुमताज नाम, रोहान रेहान मुमताज, ठीक है, और तुम्हारे शहरयार, और अभी मैं पैसे कमा रहा हूँ तो आप लोग भी अच्छे कंटेंट लेके आए, मैंने 4 साल मेहनत किया और आप तकरीबन आपको 6 मंथ समथिंग हो गए, इंशाल्लाह भाई कभी हो जाएगा तो इस फील्ड की तरफ आ जाए, अच्छे कॉन्टेंट लेके आए इंशाल्लाह। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं पाकिस्तानी नाइट, अभी हम लोग इंटर हुए, बेसिकली यहाँ से था इंडोनेशियन नाइट और पाकिस्तानी नाइट दोनों थी, लेकिन हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, अभी हम लोग जो है पाकिस्तानी नाइट में इंटर हुए, और हम लोग जो है एमा बैग का जो एंट्री थी वो मिस कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग के पहुँचने तक जितने में पहुँचे और पार्किंग लगाई है तो आयमा बैग जो है एंट्री हो चुकी है, तो वेल उसकी एंट्री तो मिस कर दी है, लेकिन एग्जिट उसका देखेंगे। Oh, 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 oh,
कभी भी आओ, गोल टिकट लेके आना, सब कुछ गोल लेके आना। भाई भाई वाला मशवरा है, आप लोग नेक्स्ट टाइम जब भी आओ तो 35 वाली टिकट मत लेना, पहले चेक करने सिल्वर कौन सी है, गोल्ड कौन सी है। अभी हम लोग ने पता नहीं था हमें, हमने सिल्वर ले ली और सिल्वर का आलम यह है कि स्टेज भी बहुत दूर है, किलोमीटर तो दूर स्टेज है। आपको जब भी चाहिए हो तो गोल्ड की तरफ मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप लोग गोल्ड टिकट लीजिए। अगर हम लोग वहाँ से भी बाहर निकल आए, शो तो चल रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने शो से बाहर निकलोगे तो बच्चों के फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने राइड्स वगैरह बनाई है, बच्चों के राइड्स वगैरह के अलावा जो इन्होंने फूड स्टॉल वगैरह लगाया तो मैं आप लोग को वो दिखा दूँ। ये पीछे आप देखेंगे फूड स्टॉल वगैरह और वहाँ पे बच्चों की राइड्स है। तो इवन कि हम लोग दोस्तों के साथ आए हुए, दोस्तों के साथ ही कि यार सिल्वर टिकट ना लेना। और यहाँ पे हमारे दो जो आइसक्रीम ले रहे हैं, ले ली किसने ली, शेयर करेंगे दूर में यार, शेयर नहीं करेंगे आप, एक और दे दें आलम ऐसा कि आइसक्रीम ले रसवरी। अब यहाँ पे इसकी तो बहुत सख्त ज़रूरत है। हाँ भाई अब्दुल्ला, क्या माहौल है भाई, गर्मी का आलम है, गर्मी का आलम है और आइसक्रीम की सख्त ज़रूरत है, गर्मी का आलम और आइसक्रीम की सख्त ज़रूरत है। पीछे फूड स्टॉल है तो आप लोगों को उसकी भी दिखाता हूँ। बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए भी जगह है यहाँ पे, जो बोर हुए बच्चे उनके लिए ये है, इसे तो आप लोगों को प्रॉपर एक तरीके से दिखा दूँ। तो ये जनाब ये फूड स्टॉल इधर है, बच्चों के एंटरटेनमेंट और फन के लिए जगह वो है, यहाँ पे सिटिंग बनाई हुई है और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग जो 35 सिल्वर टिकट वाले सब इधर ही बैठे हैं। भाई एंजॉय कर रहे हो, बहुत बोल रहे हैं, भाई एंजॉय कर रहे हो, ये आलम है 35 साल के टिकट का, ये जमीन पे बैठे चले गए, देखते चले गए यहाँ तक के बारी आ गया। हम अकेले नहीं है, मिस्रियाँ ऊँचियाँ दीवारें रखियाँ, इनके बारे में बताऊं तो दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ, आर्टिस्ट के साथ ये कोलैब करते हैं। तो ब्रिटिश फिलहाल से इतना चल रहा है, लेकिन अक्सर ये लोग आवाम से आ जाएगी, बस अब गर्मी भी है और